हेलो माय रिया स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे मस्त होंगे तो लेट्स बिगिन द चैप्टर सेकंड ऑफ ऑफ साइंस क्लास सेवन दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स यानी प्राणियों में पोषण यू हैव लर्न इन चैप्टर फर्स्ट दैट प्लान्स कैन प्रिपेयर द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा कि जो पौधे हैं वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस से अपने आप यानी स्वयं बना सकते हैं लेकिन जो एनिमल्स हैं वो ऐसा नहीं कर सकते एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लान्ट जो एनिमल्स हैं जो पशु हैं वे uh, अपना भोजन उन्हें अपना भोजन पौधों से प्राप्त होता है अदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स या तो सीधे सीधे uh, पौधों से मिलता है यानी कि वो सीधे सीधे पौधों को खाते हैं जैसे हम चारा डालते हैं पशुओं को और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स या फिर इनडायरेक्टली uh, uh, उन एनिमल्स को वो uh, uh, एनिमल खाते हैं uh, उन एनिमल्स को वो एनिमल खाते हैं जो कि इनडायरेक्टली पौधों पर ही डिपेंडेंट है जैसे फॉर एग्जांपल अब हिरन है डियर है उसको टाइगर खाता है लॉयन खाता है ओके यानी कि अब जो हिरन है वो क्या खाता है वो पौधों पर डिपेंडेंट है और आ, जो टाइगर है वो हिरन को खाता है ओके तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं कि जो पौधों भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं ओके रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूम रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ और याद कीजिएगा जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं जितने भी जीव जंतु हैं सभी को भोजन की बहुत आवश्यकता है फॉरवर्ट फॉर ग्रोथ रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ताकि जो उनका शरीर है अच्छे से ग्रोथ कर पाए कोई डैमेज अगर उनके शरीर में है तो वो रिपेयर हो जाए और अच्छे से उनकी बॉडी फंक्शन करे ओके एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट मॉड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी जो एनिमल न्यूट्रिशन है उसके अंदर क्या चीजें आती है पहली चीज न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कि उसको किस किस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है मॉड ऑफ इंटेक ऑफ फूड कि वो किस तरीके से किस वे से जो है फूड लेता है एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी और उसकी बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन कैसे है यू हैव स्टडीड इन 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ many कॉम्पोनेट ट्राई टू रिकॉल लिस्ट और बिलो आपने क्लास सिक्स में पढ़ा कि जो फूड है काफी सारे कंपोनेंट से मिलकर बनता है और उनको याद कर करके नीचे लिस्ट में उन, उनको नोट डाउन कीजिएगा ओके द कॉम्पोनेट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स जो कॉम्पोनेंट्स हैं जो घटक हैं फूड के भोजन के जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है ओके okay? uh, तो ये काफ़ी पेचीदा सब्सटांसिस uh, काफ़ी जटिल सब्सटांसिस है दिज कॉम्प्लेक्स कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच और इन uh, जटिल सबस्टांस uh, को एज इट इज यूज नहीं कर सकते ओके okay? यूटिलाइज करना यानी यूज करना सो दे आर ब्रोकन डाउन इन टू सिंपलर सब्सटांसिस इसलिए इनको uh, साधारण

नाउ लेट एस मूव टू द सेक्शन टू पॉइंट वन दैट इज डिफरेंट वेइज़ ऑफ टेकिंग फूड यानी कि खाना uh, लेने के अलग अलग तरीके ओके okay? कैसे हम खाना खाते हैं कैसे हम uh, हमारी बॉडी के अंदर खाना जाता है तो उसको uh, uh, खाने को uh, टेक इन करने के ओके okay? इनटेक करने के अलग अलग तरीके द मॉड ऑफ़ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी वेलीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अलग अलग जीव जंतुओं में uh, जो भोजन लेने का तरीका है इन uh, भोजन को फूड को इनटेक करने का जो वे है मेथड है वो अलग अलग है बीज एंड हमिंग बोर्ड सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट्स इनफेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क ओके okay, जो बीज है और हमिंग बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं वो आ, जो पौधों का रस होता है नेक्टार होता है यानी रस ओके okay? उनको चूसते हैं सक करते हैं उनको ओके इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क जो बच्चे होते हैं किसके ह्यूमन के और काफ़ी जो दूसरे एनिमल्स हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो माँ के दूध पर निर्भर होते हैं ओके स्नेक्स लाइक द पायथुन स्वैलो द एनिमल्स द द्रे अपॉन जो uh, सांप हैं जैसे कि पायथुन एक uh, सांप है और वो क्या करता है जिस पर भी शिकार करता है प्रे करता है उसको निगल जाता है स्वैलो मीन्स uh, निगल जाना ओके सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन दैम कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं यानी कि जलीय या फिर हम uh, सीधी सी भाषा में कहें कुछ uh, वे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं Okay, वो क्या करते हैं जो भी उनको ऊपर फ्लोट करता हुआ अगर कुछ फूड पार्टिकल मिल जाता है वो उनमें से छांट कर खा लेते हैं ओके okay? उनके ऊपर जो भी पानी के स्तर पर उनको तैरता हुआ मिल जाता है ओके okay? धीरे धीरे वो क्या करते हैं

Uh, जैसे स्क्रैपिंग uh, है चुइंग है सिफोनिंग है कैप्चरिंग है स्वेलोइंग है स्पॉन्गिंग spong, uh, है सकिंग है ओके okay. ये uh, कुछ मोड ऑफ इनटेक दिए गए हैं जो आपको हेल्प करेंगे ओके तो आ, मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ कि स्क्रैपिंग जैसे खुरचना होता है ओके च्यूंग आपको पता ही है चबाना होता है ओके सिफोनिंग यानी कि नली के द्वारा या एक आ, जो खाना हम खाते हैं नली के द्वारा कोई भी जीव जंतु वो खाना खाता है ओके कैप्चरिंग एंड स्वलोइंग स्वेलोइंग जैसे निगलना कैप्चरिंग यानी पकड़ कर ओके जो स्पॉन्जिंग है ओके okay, यानी टुकड़े तोड़ना सकिंग यानी कि चूसना ओके okay? और तो आप इनको इस टेबल को अपने आप फिल कीजिएगा जैसे कि स्नेल है ऑंट ईगल हमिंग बर्ड ये पहले तो किस तरह का भोजन खाते हैं और ये मोड ऑफ फीडिंग क्या है यानी कि किस तरह से खाते हैं ओके okay? मॉस्किटो uh, है बटरफ्लाई है हाउसफ्लाई है जैसे बटरफ्लाई सक करती है तो ये आप अपने आप इस टेबल को फिल कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से ये जो मोड ऑफ इनटेक है ये समझ में आए जुन फैक्टर ये एक हैरान कर देने वाला यानी कि आश्चर्य आश्चर्यचकित कर देने वाला ये एक तथ्य है आ, क्या स्टारफिश के बारे में जैसा कि आ, आप फिगर 2.1 में स्टारफिश देख पा रहे हैं तो देखिएगा स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कोवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ओके जो स्टारफिश है वो किन एनिमल्स को खाती है Uh, जो कि हार्ड शेल से बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के आफ्टर ओपनिंग द शेल द पॉप्स आउट इट्स इट्स स्टमक थ्रू माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल अब ये क्या करती है जैसे ही ये उस शेल uh, को हटा देती है जो हार्ड शेल है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है वो इस uh, उस शेल uh, को हटा देती है फिर ये अपना मुंह से अपना पेट बाहर लेकर के आती है पॉप्स आउट करती है बाहर पेट निकालती है उस सॉफ्ट uh, एनिमल्स को खाती है जो कि सेल के अंदर होता है देन द the स्टमक तो गोज बैक इन टू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड और फिर जो खाना है वो धीरे धीरे पचता जाता है ओके